पहले आप लोग ये वाला वीडियो देखो क्रिकेट 77 का। वेल अभी तक क्या कर रहे हो, ये वाली वीडियोस अभी तक देख रहे हो, मगर ये वाली एडिटिंग आपने अभी तक नहीं सीखी, और अगर सीख भी ली उतनी अच्छी नहीं सीखी। क्या होगा अगर मैं आज आपको बताऊं, मैं आपको ये वाली एडिटिंग सिखाऊंगा, वो भी बहुत ही जल्द और क्रिकेट 77 की तरह और क्रिकेट शॉट की तरह, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? जी हाँ, आज की वीडियो में आपको कंप्लीट एडिटिंग सिखाऊंगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, कैसे ये एडिट करते हैं क्रिकेट 77 ऐसी वीडियो, वो भी HD क्वालिटी। तो बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। फर्स्ट थिंग, अगर आप इंस्पिरेशन ले रहे हो क्रिकेट 77 की, उसकी एडिटिंग करना चाहते हो आप, तो आप सही वीडियो पे आए हो। पहले मैं आपको एडिटिंग सॉफ्टवेयर बताऊंगा जिसकी यूज आपको एडिटिंग करने में लगेगी। फर्स्ट कैपकट, सेकेंड एलाइट मोशन। दोनों एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। चलिए आप वीडियो पे आते हैं। पहले अगर आपको YouTube चैनल के लिए शॉर्ट्स बनाने हैं तो ये वाली एडिटिंग आपको बहुत ही काम आने वाली है। पहले एडिटिंग करने के लिए आपको एलाइट मोशन ओपन करना है, सो चलते हैं एलाइट मोशन एप्लीकेशन पे। पहले आपको ओरिजिनल वीडियो सिलेक्ट करनी है जिसके ऊपर आपको एडिटिंग करनी है। उसके बाद क्या करना है, आपको पहले एक शेप सिलेक्ट करनी है, उसका कलर आप ऐसा रख सकते हो। इसके बाद आपको जाना है इफेक्ट्स में, इफेक्ट्स में पहले आपको कॉपी बैकग्राउंड वाला इफेक्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद गॉशियन ब्लर वाला इफेक्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद एक्सपोजर एंड गामा वाला इफेक्ट। कॉपी बैकग्राउंड को आपको 0% पे रख देना है, उसके बाद गॉशियन ब्लर को 120 कर देना है, उसके बाद एक्सपोजर एंड गामा में जाके आपको एक्सपोजर को 68 कर देना है, उसके बाद गामा को कर देना है 595, उसके बाद ऑफसेट में जाके आपको कर देना है 20 या फिर 90 या 18 भी कर सकते हो। उसके बाद आपको शेप को सिलेक्ट करना है, उसके बाद ब्लेंडिंग एंड ऑप्सिटी में जाके डिफरेंस में जाके आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, उसके बाद आपको फिर से एक शेप सिलेक्ट करनी है, उसका कलर आपको व्हाइट कर देना है। वो कलर सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में, कंट्रास्ट में जाके ओवरले पे क्लिक कर देना है, फिर आपको बैक आना है, फिर जो आपने ये सेकंड वाली शेप सिलेक्ट की है इसको आपको डुप्लीकेट लेयर कर देना है। डुप्लीकेट लेयर करने के बाद आपको जाना है ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में, इसकी ओपेसिटी आपको कर देनी है 50 या फिर 50 या 60 के बीच में आप रख सकते हो। उसके बाद आपको फिर से एक शेप सिलेक्ट करनी है, उसका कलर आपको ग्रीन कर देना है, उस शेप को आपको फिर से फिलअप कर देना है अच्छी तरीके से। उसके बाद इफेक्ट्स में जाके पहले आपको कॉपी बैकग्राउंड वाला इफेक्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट वाला इफेक्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस वाला। फिर आपको क्या करना है, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट में जाना है, ब्राइटनेस को आपको 6 कर देना है एंड देन कंट्रास्ट को आपको -18% कर देना है। फिर आपको क्या करना है, सैचुरेशन में जाना है, सैचुरेशन में पहले आपको सैचुरेशन को 50 कर देना है, उसके बाद वाइब्रेंस को 64 कर देना है या फिर 150 के बीच में आप रख सकते हो। उसके बाद आपको ये वाली शेप सिलेक्ट करनी है, इसका डुप्लीकेट लेयर कर देना है, फिर आपको ब्राइटनेस में जाके ब्राइटनेस को 3% कर देना है एंड देन कंट्रास्ट को -9, देन उसके बाद सैचुरेशन को 15% एंड वाइब्रेंस को 135। ये वाली वीडियो एक्सपोर्ट करने के बाद अब आपको कहां जाना है, कैपकट। चलिए करते हैं कैपकट एप्लीकेशन ओपन। अब आपको क्या करना है, आपको वो वाली वीडियो सिलेक्ट करनी है जो हमने अभी एलाइट मोशन से एक्सपोर्ट की है। अब आपको ये वाली वीडियो सिलेक्ट करनी है। अब आपको एडजस्ट में जाना है, ब्राइटनेस में 6 करके वो जो कंट्रास्ट है ना इसको 8 कर दो, और फिर सैचुरेशन को कर दो 40 एंड देन एक्सपोजर को कर दो 6, और उसके बाद एक्सपोजर को 6 करके शार्पन को कर दो 45, देन उसके बाद हाईलाइट को आपको -7 कर देना है, देन उसके बाद आपको शेडो पे जाके शेडो को 7 कर देना है इसको भी, उसके बाद आपको टेम्परेचर में जाके टेम्परेचर को अराउंड या फिर 8 या 10 भी रख सकते हो। उसके बाद ह्यू में जाके आपको क्या कर देना है, आपको माइनस में जाके इसको -10 कर देना है। अभी आपकी वीडियो बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुकी है और बहुत ही अच्छा सा इफेक्ट देखने को मिल चुका है। सो गाइस, अब आपको अपनी वीडियो एक्सपोर्ट करना है, उसके बाद हम चलते हैं सीधे प्रीव्यू पे। सो दोस्तों, डन, एडिटिंग भी हो गई। अब आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करके मेरी चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको क्रिकेट से रिलेटेड हर कोई वीडियो मिलते ही रहती है। चैनल को सब्सक्राइब करके मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।